प्राइमरी निजी शिक्षण संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। पिछले दो शिक्षण सत्र का पार्टी प्रतिपूर्ति फीस जो लगभग 25 करोड़ है अब तक नहीं हुआ है भुगतान। पोर्टल बंद होने से स्कूल नहीं कर पा रहे हैं आवेदन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो। भारत माता की जय। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विदिशा जिला जिलाध्यक्ष मानसिंह राजपूत एवं प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश जी, आज के संबंध में आप ज्ञापन देने आए हैं। आज विगत 3 वर्षों की आरटी फीस प्रतिपूर्ति जो हमारी प्राइवेट स्कूलों की लंबित है उसको लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए उपस्थित हुए। लगभग कितनी फीस आपकी बाकी होगी? इसका आकलन तो लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमानित हम बता दें कि 25-30 करोड़ विदिशा जिले की है और अरबों रुपए का पूरे मध्य प्रदेश की बाकी है। नहीं आएगी राशि तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर राशि नहीं आएगी क्या नहीं आ रही है उससे आर्थिक स्थिति स्कूलों की बहुत खराब हो रही है, जिसमें हमें स्टाफ और अन्य मैनेजमेंट की जो गतिविधियां होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती है, उनको हम करने में काफी परेशानी लंबित हो रही है, क्योंकि एक एक स्कूल के लगभग 4-4, 5-5 लाख रुपए का लंबित है। इसमें हमारी विगत 3 मांगे इसमें इस प्रकार है कि वर्ष 2020-21 एवं 21-22 का जो पोर्टल राज्य शिक्षा के अंदर बंद कर दिया, जिसमें कई स्कूल हैं जो अपनी फीस मांगने के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको तुरंत खोला जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि वर्ष 2020-21 में अधिकांश छात्रों का, कुछ स्कूलों का भुगतान हो गया है, उसमें दूसरे स्कूल में जो बच्चे मैप है उनका पेमेंट रोक कर रखा है, उसको शीघ्र भुगतान किया जाए। तीसरी मांग ये है कि वर्ष 2021-22 का प्रपोजल हम लोगों ने 1 वर्ष लगभग लॉक कर ये हो गया, शासन को भेज दिया है, लेकिन विदिशा जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में 1 भी रुपए का आज दिनांक तक भुगतान नहीं हुआ है, इसको तत्काल भुगतान किया जाए। चौथी मांग ये है कि वर्ष 2022-23 के प्रपोजल तैयार करने की तारीख उन्होंने 15 मई जून रखी हुई है। वर्तमान में छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों के आधार सत्यापन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी संगठन के माध्यम से मांग है कि उसको 30 जुलाई तक उसको बढ़ाया